हमारा दिखावा नहीं करेगी, हमारा प्यार भी सच्चा बा। तो सर ये थे कॉमेडी के सबसे बड़ा सुपर स्टार कहे जाने वाले मनी मिराज। दरअसल स्क्रीन पे आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिए। इस बंदे ने इस फिल्म को देखने गया है ना सर, तो हॉल सिनेमा में सिर्फ ये दो ही शख्स नजर आ रहा है। सर ये वही मनी मिराज जी का फिल्म है जो सोशल मीडिया पे लोग न जाने क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं कि हई फलानवा के पीछे छोड़ दिया, तो हई चिलनवा के पीछे छोड़ दिया, तो पवन खेसारी इनके आगे जीरो है। उन सबके लिए खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिल्में चल नहीं रहा है, रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है ये सब आप अपने आंखों से देख लो। सोशल मीडिया पे तो लोग हवा में उड़ाए हुए हैं कि भैया इतना करोड़ कमा लिया तो इतना अच्छा रिकवरी कर रहा है। सर बात करें तो भोजपुरी में ये उलट पुलट वाला जो मामला है ना, इसको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए भाई। हिंदी का टाइटल उठा के फिर उस पर नया कहानी बना के चिपका देना, फलाना ठिमकाना ऐसे कर देते, उलट फेर वाला धंधा बंद करना चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मनी मीरा जी का आखिर फिल्म क्यों नहीं चल रहा है बड़े पर्दों पे? तो सर आपको बताते चले कि चल रहा है। मनी मीरा जी जहाँ जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ फिल्में चल जा रहे हैं वहाँ। लेकिन जहाँ मनी मीरा जी नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पे हॉल सिनेमा का ऐसा कुछ हाल है। ये वीडियो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो एकदम रियल है, फैक्ट है। सुबह 10 बजे का शो है जो ये भाई लोग देखने गए थे और वहाँ पे एक भी पब्लिक नहीं था, सिर्फ ये दो लोग ही उतना बड़ा हॉल में ये फिल्म को देखे। तो ये है ग्राउंड लेवल का कहानी मनी मीरा जी का वेलगम फिल्म का। और सोशल मीडिया पे लोग झूठों के हवा बनाए हुए हैं कि भैया रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो भैया इनको पीछे कर दिए, तो इनको पीछे कर दिए, फलाना ठिमकाना। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मनी मीरा जी के बारे में और इनके वेलकम फिल्म के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।